श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। तो मैं बता दूं, बहुत सारे लीलाओं में एक लीला कल हुई जिसमें हमारी प्यारी लड़ेती जू कुछ भक्तों को ही दर्शन देंगी। अगर पुरानी लीला याद हो तो उन्होंने कहा था सबको मेरे दर्शन प्राप्त नहीं हो पाएंगे। जो भक्त उनकी सेवा में हैं उन भक्तों को ही उनके दर्शन प्राप्त होंगे। कुछ को उनके घूंघट के साथ दर्शन प्राप्त होंगे, कुछ को उनके पूरे मुखमंडल के भी दर्शन प्राप्त होंगे। जो उन्होंने कहा, जो भक्त लड़ैती जू की सेवा में आगे अग्रसर होंगे उन्हीं भक्तों को उनके दर्शन प्राप्त होंगे। ये ऐसा कथन हमारे करुआ बिहारी जी का था। इसके पीछे भी कुछ कारण हैं जो मैं अभी इस समय वीडियो में तो नहीं बता सकती, क्योंकि बिना किसी कष्ट के, बिना किसी परिश्रम के, बिना कुछ किए अगर मनुष्यों को ईश्वर के दर्शन प्राप्त होने लग जाएं तो मनुष्य उनकी कोई भी कद्र नहीं करते, उन्हें कभी भी भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए कुछ ही भक्तों को उनके दर्शन प्राप्त होंगे। किस तरीके से होंगे वो भी उन्हें स्वयं पता चल जाएगा। ये संदेश एक तो है हमारी लड़ैती जू का, तो अब हम उनके श्रृंगार और उनकी व्यवस्था में लगेंगे। ये विशेष दर्शन होंगे, बाकी सभी भक्तों को उनके घूंघट दर्शन के साथ दर्शन प्राप्त जरूर होंगे। मुखमंडल के दर्शन के लिए तो विशेष पात्र ही उसके अधिकारी होंगे, और ये एक संदेश स्वयं प्रभु का है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। जैसा कि प्रभु का कथन है, कुछ कारण होगा इस कारण के पीछे भी, क्योंकि जब तक हमारे अंदर वो भाव प्रकट नहीं हो जाता, वो लालसा प्रकट नहीं हो जाती प्रभु के दर्शनों की, तब तक प्रभु के दर्शन प्राप्त नहीं होते। ये सबसे बड़ा सत्य है। अब करते हैं हम आगे की बातें। जैसे कि मैंने आपको कल पाँच पार्ट में तिरुपति बालाजी की लीला बताई। पहली बात तो मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, तो मुझे थोड़ा ज़ोर से बोलने की कोशिश करनी पड़ रही है, तब मेरा आवाज़ निकल रही है। तो मैं आपको बता दूँ, प्रभु का आना इतना आसान नहीं है जितना कि वो लीलाओं में आपने सुना, क्योंकि लीला बहुत छोटे रूप में आपको बताई गई है। क्योंकि अगर मैं बड़ी लीलाएं बताऊंगी तो एक एक घंटे की लीला बता पाना संभव नहीं है। प्रभु ने 2 महीने का जो समय दिया है, इस महीने 2 महीने में कठोर परिश्रम हमें दिया गया है। उस कठोर परिश्रम के द्वारा 3 वस्तुएं जो हमको एकत्रित करनी हैं, उनका नाम प्रत्यक्ष में तो मैं नहीं बता सकती, उनको पाना है हमें। हासिल कैसे होगा? कर्म के द्वारा। वो कर्म हमको करना होगा, प्रभु की कृपा से ही वो हो पाएगा। तीसरी बात, श्री हरि हमारे द्वारा ना आकर किसी न किसी भक्त के द्वारा ही, उनके ही प्रयास से आ पाएंगे। ये प्रभु का कथन था। मैं ये भी जानती हूँ अब तक जो जो चीज़ें हुई वो स्वतः होती गई, आगे भी होंगी, लेकिन इस बार जो प्रभु ने कार्य दिया वो बहुत कठिन है। क्योंकि जब पंडित जी लीला में बोल रहे थे, उन्होंने 2 शब्दों का चयन किया था कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम ये कार्य कर पाओ, क्योंकि वो कार्य बहुत अधिक लक्ष्मी के सहयोग से पूर्ण होगा। लेकिन क्योंकि ये प्रभु का साथ है, उनकी कृपा है, तो मैं जानती हूँ कि बहुत आसानी से प्रभु उसको कंप्लीट करवाएंगे। हम अपना कार्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करने में अब शुरू मतलब कर दिया है। अब हमारे पास 3 कर्म हैं। 3 कर्मों में प्रभु का विवाह होना, पहले विवाह प्रभु का तिरुमाला में ही होगा। जो वस्तुएं हमें बताई हैं उनके द्वारा,
वो हुंडी में जाएंगी, हुंडी में डालनी होंगी। हुंडी क्या होती है? जहाँ पर प्रभु के नाम से जो वस्तु मनुष्य लेके जाता है वो डाली जाती है। लाइक वस्त्र, सोना, चांदी, हीरा, मोती, नीलम, पुखराज, जो भी होता है, ठीक है, उसी का एक कार्य है। लेकिन वो कार्य भी इतना आसान नहीं हो। उन्होंने कहा कि उसके लिए तो मनुष्य को भीख भी मांगनी पड़ सकती है, लेकिन क्योंकि मेरे लाल की कृपा है, मुझे किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, उसके लिए शारीरिक परिश्रम भी बहुत करना होगा, वो हम करने के लिए तत्पर हैं और पूरी तरह रेडी हैं। चौथा, उसके लिए नंगे पैर सीढ़ियों से होते हुए पैदल जाना, 7 पर्वतों को पार करना, अब उस समय वो कैसा होगा, क्योंकि हमने ऐसे ऊंचाई की कभी कोई चढ़ाई नहीं की है। लेकिन क्योंकि प्रभु ये क्यों करवा रहे हैं ये मैं नहीं जानना चाहती। मैं बस इतना जानती हूँ वो करवा रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा। हमारे ही कुछ प्रारब्ध होंगे, हमारे ही कुछ पाप होंगे जिन्हें वो कटवाना चाहते हैं। प्रभु क्योंकि वचन में बद्ध हैं, इसलिए वो तिरुमाला से बहुत आसानी से नहीं आ सकते। उस वचन की पूर्ति के लिए ये कार्य हमको दिया गया है, और जब ये कार्य पूर्ण होगा तब मुझे नहीं पता आगे और क्या क्या होने वाला है। मैं तो बस वही कर रही हूँ जो वो बोल रहे हैं। इसी के बीच बहुत सी नेगेटिव लीलाएं भी हमारे साथ घटित होती हैं, लेकिन प्रभु का साथ होने के कारण वो शक्तियाँ हमारे जीवन में कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं छोड़ पाती हैं। बहुत ही जल्दी से वो समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि हमने प्रभु से एक वादा किया है कि अच्छा भी तेरा बुरा भी तेरा, जो तू देगा वो सब स्वीकार्य है। जब मनुष्य अच्छी और बुरी दोनों स्थितियों को स्वीकार करता है तब वो भक्ति की चरम सीमा को पार करता है, और उसी की परीक्षा लेने के लिए प्रभु ये सब करते हैं। और ये लीलाएं जानकर ऐसे दिव्य स्थानों के बारे में मनुष्य को पता चलना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ खाना पीना सोना रहना नहीं है, इस जीवन के कर्तव्यों को करते हुए ईश्वर का नाम, उनका चिंतन, उनका प्रचार प्रसार, उनके बारे में उनकी दिव्यता का ज्ञान सबको होना, ये सब भी हमारे ही जीवन का आधार है। हमारा जीवन तभी मुक्त होता है जब हम ईश्वर के युक्त मनुष्य बनकर ईश्वर को प्राप्त करते हैं। ईश्वर को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हमारे गुण ईश्वर के जैसे होने लगते हैं, और ये तब होते हैं जब हम शरीर, मन, तन, धन और अपने प्रत्येक शरीर के अंग का मोह छोड़ देते हैं। जैसे कि बालों का दान, अब तक लोग नहीं समझ पाते थे, वो सब बताने का कार्य जो ये हो रहा है मैं नहीं जानती, लेकिन जो मुझे पता चल रहा है वो मैं बता रही हूँ। जिसकी इच्छा हो वो ग्रहण करे, जिसकी इच्छा नहीं है बिल्कुल ग्रहण ना करे, बाकी सब आपकी स्वेच्छा पर है। लेकिन प्रभु की इन लीलाओं का स्मरण जो कर रहे हैं वो कम भाग्यशाली नहीं है, और जिन्हें प्रभु लीलाएं समझ नहीं आ रही हैं वो भी कृतार्थ हो रहे हैं। भले ही वो उसको न समझ पाएं, तो प्रभु की इन लीलाओं का स्मरण करते रहिए और आनंद लेते रहिए। राधे राधे, श्री हरिदास।